हेलो यूनिवर्सल ट्रुथ फैमिली एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सक्सेस स्टोरीज, मंत्रास, मेडिटेशंस, अफर्मेशंस एंड आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए उसे कैसे हासिल करना है उसके लिए यहाँ पे गाइड किया जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ ऐसा शेयर करना चाहती हूँ जिसकी हेल्प से आप किसी पत्थर दिल इंसान को भी चुटकियों में हील कर देंगे और वो आपके लिए बिल्कुल पिघल जाएंगे, यानी उनका बिहेवियर आपके प्रति बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल है और क्या इसे करने से सामने वाले पर्सन पे इम्पैक्ट होता है। और कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये करना सही है, किसी और को किसी भी तरीके से हील करना या फिर किसी को भी बदलने की कोशिश करना, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये इवन पॉसिबल है कि उस पर्सन से बिना बात किए, बिना कॉन्टैक्ट किए क्या उनमें बदलाव लाया जा सकता है, क्या ये सब पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल है तो ये किसी भी मैजिक से कम नहीं है। तो क्या मैजिक सच में होते हैं? ये सारे सवाल आप में से बहुत से लोगों के मन में उठ रहे होंगे। हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जिनके साथ में डील करना थोड़ा ट्रिकी होता है। सिर्फ आप अकेले नहीं हो, मैं बोलूँगी कि 99% लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं और लाइफ के किसी ना किसी मोड पे वो ऐसे लोगों से टकराते ही हैं या फिर कॉन्स्टेंटली वो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति या फिर किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में होते हैं जो कि उनके प्रति उतने अच्छे बिहेवियर वाले नहीं होते हैं। वो आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, वो आपके सो कॉल्ड एनिमीज हो सकते हैं, वो आपके बॉस हो सकते हैं, जहाँ वर्क करते हो वहाँ के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे कुछ लोग या टीचर्स हो सकते हैं जिनका बिहेव आपको थोड़ा ट्रिकी लगता हो और आप चाहते हो कि वो आपके साथ में थोड़ा और ज़्यादा प्यार से बात करें, आपकी थोड़ी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, थोड़े और ज़्यादा काइंड हो जाएं आपके लिए। या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपसे कॉन्टैक्ट तोड़ करके बैठे होते हैं और किसी भी कीमत पे आपसे बात नहीं करना चाहते। तो उन लोगों को भी कैसे हील करना है, कैसे उनके दिल को सॉफ्ट करना है आपके लिए, कैसे उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट, प्यार भरनी है, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। चलिए पहले बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। जी हाँ, ये 100% पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि क्या ये सही है इस तरीके से दूसरों की कॉन्शियसनेस को चेंज करना, क्या ये सही है। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो ये 100% सही होगा। इसके बाद बात करते हैं कि क्या मैजिक होता है, क्या सच में मैजिक एग्जिस्ट करता है। तो मैं बोलूँगी यस, डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज हीलिंग्स नहीं हो रही होती, अदरवाइज लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस नहीं मिल रही होती, लोगों की ऐसे बीमारियाँ हील ही नहीं होती जिनकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, है ना। और उन सिचुएशन से लोग बाहर नहीं आ पाते जिन सिचुएशंस को बाकी लोग बोल देते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो लोगों ने मैजिक करके दिखाया है, इसीलिए मैजिक तो पॉसिबल है। और आज मैं आपको उसी मैजिक से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिस भी पर्सन को आप चाहते हो कि वो आपके लिए सॉफ्ट हो जाए, आप उनके नेम को सबसे पहले एक पेपर पे लिख लीजिए। हो सकता है कि आप एक पर्सन को चेंज करना चाहते हो सकता है आपके पास दो या तीन लोग हों। आप उन सभी लोगों के जो नेम्स हैं उन्हें एक पेपर पे लिख लीजिए। पेपर होना चाहिए वाइट। पेन का कलर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी कि रेड कलर का पेन आप यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लू कलर का, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। अभी तक जिन लोगों को आप चेंज करना चाहते हो, जिनकी आप बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, जिन्हें हील करना चाहते हो, उनके बहुत सारे ऐसे गुणों पर या क्वालिटीज़ पे आपका ध्यान गया होगा जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, है ना। अब एक काम कीजिए, उन दो चार लोगों के उन सारी क्वालिटीज जो कि आपको परेशान करती है, दुखी करती है, हर्ट करती है, आप चाहते हैं कि ये सब इन लोगों में ना हो, या हो तो एटलीस्ट मेरे साथ वो बिहेवियर ना करें। क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ आपकी हो रही है, वो अपना बिहेवियर सिर्फ आपके लिए बदलेंगे, ठीक है। वो आपके लिए बदलेंगे और क्यों बदलेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखो, आपको सबसे पहले उन क्वालिटीज़ को लिख लेना है अच्छे से सोच समझ करके जो कि आपको लगता है कि उनमें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो मुझे नहीं चाहिए। एक बार जब आपने उन्हें लिख लिया तो बस आपका एक वर्क तो कंप्लीट हो गया। सेकंड थिंग आपको ये करनी है कि जो क्वालिटीज आप उनमें चाहते हो, जैसे कैसे वो आपके साथ में बिहेव करें या फिर कैसे वो आपको फील कराएं या फिर किस तरीके से वो आपको ट्रीट करें, वो सारी चीज़ें
जो है आप एक जगह पे लिख लीजिए। एक बार अगर आपने वो सारी चीज़ें लिख ली तो आपका सेकंड वर्क डन हो गया। अब जरा बात करते हैं जो आपने फर्स्ट पेपर तैयार किया था उन क्वालिटीज़ की जो आपको नहीं पसंद है, उस पेपर को ध्यान से देखिए। और उस पेपर को देखने के बाद आज से एक चीज़ आप याद रखिए कि आज से आप उन क्वालिटीज़ के बारे में एक बार भी नहीं सोचोगे। अगर आपके माइंड में कभी भी उस टाइप की क्वालिटीज़ उनकी याद आती हैं तो आप बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसे रिपीट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। कम से कम आप 10 times इसे रिपीट करोगे और फिर अपने आप आपका ध्यान उन सारी चीज़ों से हट जाएगा। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको हर बार करनी होगी जब भी आपको उनकी वो क्वालिटीज़ याद है। अब बात करते हैं जो सेकेंड जो क्वालिटीज़ वाली पेपर आपने लिखी थी, जो अच्छी क्वालिटीज़ थी, आपको क्या करना है, आपको एक मेडिटेशन करनी है। ये मेडिटेशन आपको एटलीस्ट 5 minutes तक करनी होगी। आराम से आपको बैठ जाना है, खुद को रिलैक्स करना है, 3 to 4 लंबी गहरी सांसें लेनी है और उसके बाद महसूस करना है कि आप और वो पर्सन दोनों आमने सामने एक चेयर पर बैठे हुए हो, ठीक है। उसके बाद आपने उस पर्सन के हैंड को पकड़ा हुआ है, अपने दोनों हैंड से उनके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ है। और पकड़ने के बाद आप देखोगे कि आप में से एक वाइब्रेशन उनके अंदर जा रही है, वो वाइब्रेशन पिंक कलर की है और वो ग्लिटरी वाइब्रेशन आपके अंदर से निकलकर उनके हाथों से होते हुए उनकी पूरी बॉडी में जा रही है और वो वाइब्रेशन लव की वाइब्रेशन है। एंड वहाँ पे वो सारे थॉट्स जो कि आपने उन क्वालिटीज़ को लिखा है, उन क्वालिटीज़ को क्या करना है, आपको एक एक करके बोलना है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ है। या जैसे भी आपने जो लिखा है आपको उसे फील करते हुए बोल देना है, ठीक है। आप जब अपनी पूरी बात बोल लो उसके बाद आप देखोगे कि वो पर्सन आपके प्रति बहुत अच्छी भावना अपने अंदर रखते हुए बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, आपकी तरफ स्माइल कर रहा है। एंड उसके बाद में आप देखोगे कि जो आप चाहते थे वो चीज़ हो चुकी है, आप फील करोगे इस चीज़ को और बस आपकी मेडिटेशन कम्प्लीट हो गई। और आपको इसे तब तक करना है जब तक कि 7 days नहीं हो जाते, लगातार 7 दिनों तक आपको इसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वीडियो के, वो सारी चीज़ें इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। याद रखना कि ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और प्योर इंटेंशन के साथ की जानी चाहिए। एक लास्ट थिंग और मैं आपको बोलना चाहूँगी, वो ये है कि लास्ट में जब आप मेडिटेशन से बाहर निकलते हो तो आपको बोल देना है यूनिवर्स, मैं अपनी सारी चीज़ें अब आपको सरेंडर करती हूँ और मैं आपके डिवाइन डिज़ाइन को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप एक लाइन बोल देना, इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा बहुत ईजिली एंड आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। तो हर रिचुअल करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये लाइन आप ज़रूर बोलो, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि कैसे मुझसे बात करनी है, कॉन्टैक्ट करनी है, कोर्सेज लेनी है या फिर कुछ और, तो आपको मैं बता दूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर जीमेल के थ्रू, जिसके लिंक आपको हमेशा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स